प्रेज द लॉर्ड जैसू, स्वागत करता हूँ और एक बार आप सबों का इस प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा हमेशा बना रहे। मेरे भाई मेरी बहन, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें, इन नई सांसों के लिए, नए जीवन के लिए, नए अभिषेक के लिए, नई कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की तारीफ करें। आप जानते हैं प्रभु हमें मां के गर्भ में रचने से पहले से जानते हैं। आप पढ़ेंगे स्तोत्र अध्याय 139, वहां पर प्रभु कहते हैं, या स्तोत्रकार कहते हैं, जब मैं मां के अंधकार में, सॉरी, आप पढ़ेंगे स्तोत्र अध्याय 139 में स्तोत्रकार वहां कहते हैं, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। जब मुझे कोई नहीं जानता था तब तू जानता था। जब मेरी मां भी मुझे नहीं देख पा रही थी गर्भ में, तू देखता था। इस संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको उसने चुना। स्तोत्रकार कहते हैं कि मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में चला जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं उषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार चला जाऊं तो वचन कहता है तेरा हाथ मुझे लिए चलता है, मैं कहां जाकर तुझसे अपने को छिपाऊं। हम देखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन के हर पहलू में हमें नजर आता है, चाहे वो गर्भ हो, चाहे वो हमारे जन्म लेने के बाद हो। ऐसा लगता है जैसे कोई दीवाना हमारे पीछे पड़ा है, जैसे प्रभु हमारे प्यार में या हमारे पीछे दीवाना है, और उसकी दीवानगी हमें इस कदर दिखती है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। कोई करता है क्या? कोई नहीं करेगा। एक दूसरे की जान के प्यास से हम बन जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। थोड़ी सी जमीन के लिए हत्याएं होती हैं इस जहां में। अपना थोड़ा सा कोई देना नहीं चाहता। बच्चे से एक टॉफी मांग लो तो वो भी छुपाता है, कहता मैं नहीं दूंगा। घर में कोई आ जाए खाते समय तो थाली छुपा ली जाती है कि कहीं वो देख ना ले, कहीं मांग ना ले। इतना स्वार्थ है हम में। लेकिन फिर भी ईश्वर का प्यार देखें, उसकी उस दीवानगी पर एक नजर मारें। उसने निस्वार्थ बनकर हम मनुष्यों को बचाने के लिए, हमारे पापों को हमसे छुड़ाने के लिए, अलग करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए निस्वार्थ भाव से भेजा। और यीशु का आप देखें चाल चलन आचरण इस संसार में, जब वो आया, बाइबल में लिखा हुआ है उसे अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। लोगों के बीच में, लोगों की समस्याओं को हल करते करते, चंगाई करते करते, वचन सुनाते सुनाते वो इतना बेसुध हो जाता था कि माता मरियम अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ उसे ढूंढने आती है, क्योंकि कहा जाता था उन्हें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई है, वे होश में नहीं है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक दीवाना था। क्या मुझे और आपको उसी यीशु का दीवाना नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। अगर हम यीशु जैसे हमारे पीछे दीवाना है, उसका 1% भी अगर दीवाना बन जाए ना यीशु का, तो जीवन सफल है हमारा। आप यीशु को देखें, यीशु पनघट पर बैठे हुए थे जब
समारी स्त्री ने उनसे पानी समारी स्त्री आई, यीशु ने उनसे पानी मांगा। एक स्त्री को बचाने के लिए दोपहर के समय यीशु उस पनघट पर बैठे रहे। क्या आप सोचते हैं यीशु फालतू में वहां बैठे थे? नहीं, वो उस समारी स्त्री के उद्धार के लिए वहां गए थे। यह दीवानापन। आज हमें प्रार्थना में जाने में इतना अलकस लगता है, या आलस्य आता है, या इतना हम जो है नीरस अनुभव करते हैं कि जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि गर्मियों में एयर कंडीशन लगे रहते हैं चर्च में, और ठंड के दिनों में हीटर भी लगाते हैं, फिर भी लोग जाना नहीं चाहते। लेकिन यीशु एक समारी स्त्री को बचाने के लिए उस भरी गर्मी में प्यासा बैठा था। यह है दीवानापन। इसी प्रकार का दीवानापन हमें दिखाना होगा अगर हम यीशु के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं। दीवाना आप देखेंगे यीशु के 12 चेले कैसे दीवाने थे यीशु के लिए। किसी को मार डाला गया, उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। संत थॉमस जो हमारे भारत देश में आए, ये क्या था? ये उनका दीवानापन था यीशु को लेकर, पागलपन था। वो इस धरती इस भारत देश में आए वचन का प्रचार करने। पौलुस मार खाने के बाद भी, कोड़े खाने के बाद भी प्रभु के प्रति लगा रहा। यह है प्यार। जब मैं दीवानापन कहता हूं इसका मतलब है प्यार, यीशु से प्यार हो जाना, इश्क हो जाना, मोहब्बत हो जाना। केवल लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं, प्यार में पागल हो गए, वो वाला नहीं। एक सच्चा प्यार भी होता है जो यीशु करते। तो आइए इस समय मेरे साथ मिलकर एक गीत गाएंगे। गीत इस प्रकार है, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा, मस्ताना बन जाऊंगा, यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। अगर आप प्रभु के दीवाने बनने के लिए तैयार हैं, अगर उसके प्यार में खो जाने के लिए तैयार हैं, तो मेरे साथ इस गीत में पूरी तरह से शामिल हो जाना। बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ हम प्रार्थना भी करेंगे और प्रभु से ये कहेंगे कि काश हमें तू शक्ति दे कि जितना तू हमारे पीछे या तू हमारे लिए दीवाना था, उतना थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा मुझे भी बनने की कृपा दे। चलिए आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे और बड़ी खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की तारीफ करें। तालियां बजाते हुए शुक्र
तो यीशु का दीवाना बन जाऊंगा। आप जानते हैं आप दीवाने कब बन सकते हो? जब आपको किसी से प्यार होता है, जब आपको किसी से लगाव होता है, जब आपको किसी से मोहब्बत होती है, तब क्या करते हैं हम? दीवाने होते हैं। दीवाने का मतलब है कि किसी के पीछे लग जाना, जी जान से लग जाना या पूरे हृदय से लग जाना। जैसे कि कुछ लोग खेलते हैं और खेलते खेलते वे प्रोफेशनल बन जाते हैं। आप जानते क्या है, दिन रात उसी के बारे में लगे रहते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं, उसी को सपने में भी देखते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे, उसी के बारे में चिंता करते रहेंगे, उसी को सुनेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं वे, खेलते 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 दीवाने बन जाते हैं और इन्हीं को हम प्रोफेशनल कहते हैं। इसी तरह आध्यात्मिकता में भी है, हम जब यीशु के पीछे लग जाते हैं ना, यीशु को पकड़े रहते हैं, यीशु के प्यार में पागल हो जाते हैं, उस समय दुनिया के लोग पता क्या कहेंगे? दुनिया के लोग कहेंगे, आया बड़ा भक्त, अरे ये तो 24 घंटे लगा रहता है, अरे ये तो काम ही इसका ये है, अरे ये तो यीशु यीशु बोलता रहता है। तो समझ लेना कि आप उसके प्यार में दीवाने हो चुके हैं। जब तक लोग आपको ये ना बोले ना कि भाई ये तो इसी में लगा रहता है या ये तो यही करता रहता है, इसका काम ही यही बन गया है, तब तक हम यीशु के दीवाने नहीं बने हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। इस समय आंखें बंद रखें, हाथों को खुला रखें, पवित्र आत्मा की कृपा मांगें। पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दीजिए कि मैं यीशु की जैसा बनूं, यीशु के पीछे पीछे चलने वाला, सदा यीशु में जुड़ा रहूं, मुझे कोई बात उनसे अलग ना करने पाए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ मेरी सहायता करने आ पवित्र आत्मा। मैं तुझे पुकारता हूं पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर कि मैं यीशु से कभी अलग ना हो जाऊं। आंखें बंद रखना, हाथ खुला रखना, प्रार्थना में लीन हो जाना इस समय। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको यीशु से अलग करती हैं? उन्हें अपने जीवन में इस समय देखें और उन्हें छोड़ देने के लिए आप निर्णय लेंगे। चाहे ऐसी कोई बात हो, चाहे आपकी कोई बुरी आदत हो, चाहे कोई व्यक्ति हो जिसके कारण आप यीशु से अलग हो जा रहे हैं बार बार, उन्हें छोड़ देने का निर्णय इस समय लेंगे। छोड़ देने का निर्णय लेंगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे इस समय। पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दिया गया, वो हमारी सहायता करते हैं। हमारी दुर्बलताओं में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। इस समय पवित्र आत्मा से मदद मांग कर कहना, पवित्र आत्मा मैं एक दुर्बल और कमजोर और भीरू इंसान हूं, मेरी मदद करना। एक ही पाप में बार बार पड़ने की जो आदत मुझ में है, उसे निकालना पवित्र आत्मा। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु से जुड़े, पवित्र आत्मा की सहायता मांगें। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते जाएं इस समय, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you.
प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना गए यीशु आवाज सुनो
तेरे वचन पे चलूं, छोटी भेड़ की तरह मैं तेरे पीछे चलूं, तेरी गवाही ही दूं, तेरी महिमा करूं, तेरे ही प्यार को प्रभु मैं सब में माटा करूं। एक सांस, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं फिर से गाएं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह चल सकूं, तेरी तरह दिख सकूं। जितने लोगों की प्यास है प्रभु जी, इस प्यास को बुझाना, तेरे जैसा बनने की कृपा देना, तेरा दर्शन देना, तेरे गुणों को, तेरे स्वभाव को अपनाने की कृपा देना, तेरे जैसा दिख सकें, तेरे जैसा चल सकें, लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुझे हम कभी ना छोड़ें यीशु, ऐसी कृपा दे, छोटी भेड़ की तरह तेरे पीछे पीछे चलने की कृपा दे, तेरा दीवाना बनकर तेरी ओर ताकते रहने की कृपा देना यीशु। जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, इन सभी को तेरे समान बनने की कृपा दे, तेरी गवाही बनने की कृपा दे, छोटी भेड़ की तरह पीछे चलने की कृपा दे, डाली के समान तने से जुड़े रहने की कृपा दे अब्बा। धन्यवाद यीशु, तेरे पवित्र लहू से हमारे इस वायदे को बांध दे यीशु, कि हम तेरी तरह चलें, तेरी तरह देखें, तेरी तरह बोलें, तेरी तरह सुनें, तेरी तरह चलें, तेरी तरह प्रभु व्यवहार करें, तेरा जैसा आचरण अपना लें, जैसे तू पवित्र है हम भी पवित्र बने, ऐसी कृपा दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसा सामर्थ्य दे, ऐसा अद्भुत प्रभु हमें बना दे, ऐसा प्रभु जी असंभव को संभव कर दे। धन्यवाद यीशु सारा महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा, प्रज्ञा, सम्मान तुझे मिले पिता, और इन सारी प्रार्थना को हम तेरे पुत्र यीशु के नाम पर मांगते हुए एक स्वर में कहते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग, जितने लोगों ने हमारे साथ इस समय प्रार्थना में भाग लिया, आज के दिन में निरंतर ये कहते रहना, प्रभु यीशु मुझे तेरे जैसा बना दे, तेरी तरह मैं चल सकूं, तेरी तरह मैं दिख सकूं, यही हमारी ज़िंदगी का निर्णय होना चाहिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, उसका अनुग्रह आप सबों पर हमेशा बना रहे। जय यीशु, गॉड ब्लेस यू।